यहाँ पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन आदरणीय MS बिट्टा साहब उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा कि कृपया आए और अपनी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति समर्पित करें। आज यहाँ पर परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव अपने चतुर्विध संघ के साथ विराजमान है और गुरुदेव के प्रति बहुत स्नेह है, वात्सल्य रखने वाला यह संत है। आज हम वो महान क्रांतिकारी संत श्रीमुनि तरुण सागर जी महाराज के समागम में हम एकत्र हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है, बचपन से उनके प्रवचनों को मैं सुनता रहा, उनकी सोच के ऊपर चलने की बहुत बड़ी कोशिश की है और आज हम जो मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के लिए जो सेवा में लगे हैं, मैं समझता हूं कि उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। आज तरुण सागर जी महाराज को किसी संत और से मिला देना, मेरा जो मानना है ये उचित नहीं है। तन पे कपड़ा नहीं, कड़क सर्दी, जब हमारे जवान इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए दिसंबर के दिनों में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जब हाथ में बंदूक होती, चलानी भी मुश्किल होती है, तो उस वक्त हमारे तरुण सागर जी महाराज तप कर रहे होते हैं, तन पे कुछ नहीं, तप कर रहे होते हैं कि हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा करते रहें, मातृभूमि को मजबूत करते रहें, अपने ऊपर कष्ट लेकर के इस मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा उनके प्रवचन, उनका तप रहता था। मेरा जैन समाज के साथ एक बहुत ही गहरा प्यार और आशीर्वाद रिश्ता रहा है। मुझे याद है कि एक बालाजी मेहंदीपुर मंदिर राजस्थान में हर महीने मैं जाता हूं। कोई 4 साल पहले मैं जा रहा था तो गुड़गांव के पास जंगल बियाबान था, सुरक्षा साथ थी, कड़क सर्दी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, अंदर भी सर्दी लग रही थी। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, ये झंडा जो है ये किस पॉलिटिकल पार्टी का है? उस मेरे दोस्त ने बताया, ये जैन समाज का झंडा है। कुछ पीछे श्रद्धालु थे तो पीछे देखे, एक जैन समाज के वो महान संत जिनके तन पे कुछ नहीं था, नंगे पांव पत्थर। मैंने अपने दोस्त को बोला, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी, मैं कहा गाड़ी चलाओ, गाड़ी चली। कहता गाड़ी रोकी भी, गाड़ी चल गई। मैं कहा आज संतों के दर्शन हो गए, उनके चरणों को देख लिया। अगर मैं उतर जाता, हमारे जवान भी साथ साथ उतर जाते, उनकी तारे तो भगवान से जुड़ी हुई थी। और ये वो महान संत जिनकी हमेशा तारे भगवान से जुड़ी हुई थी, आज हमें उनकी इतनी जरूरत थी। और इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि को मजबूत करने के लिए इतनी उनकी हमें जरूरत थी, हमारे से जल्दी चले गए। पर आज अगर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि हमने देनी है उनके प्रवचनों को लेके, उन्होंने जो एक दिया जगाया है इस राष्ट्र के लिए, इस देश की मजबूती के लिए, उस दिए को हम जलाए रखें, यही उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति, वंदे मातरम, जय हिंद। आदरणीय महोदय, वो हमेशा कहा करते थे, संत हिंट देते हैं,